बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो हम माइक्रोबायोलॉजी में आरबो वायरसेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहले डेंगी वायरस को डिस्कस कर लिया है। अब हम सेकंड येलो फीवर वायरस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम इसे येलो फीवर वायरस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो डिजीज़ करवाता है दैट इज़ करेक्टराइज बाय जॉन्डिस एंड फीवर, तो इस वजह से हम इसे येलो फीवर कह रहे हैं, ठीक है, एज इंडिकेटेड बाय द नेम, करेक्टराइज बाय जॉन्डिस एंड फीवर। इसके अलावा ये जो है येलो फीवर वायरस, ये आरबो वायरसेस में फैमिली फ्लेवी वायरस से बिलोंग कर रहा होता है। हमने डेंगी वायरस देखा था, डेंगी वायरस भी फ्लेवी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द फ्लेवी वायरस फैमिली। अच्छा, ये वायरस जो है वो सीवियर लेवल की इलनेस करवा रहा होता है, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जिसमें सिम्टम्स में क्या क्या आता है इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में, हम पेशेंट में सडन फीवर होता है पेशेंट को, ठीक है, सडन फीवर की हिस्ट्री देगा पेशेंट। इसके अलावा हेडेक, माइल्जिया, माइल्जिया का मतलब होता है मसल पेन, ओके, एंड फोटोफोबिया। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो प्रोग्रेस कर सकते हैं और फिर वो लिवर, हार्ट एंड किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम वीकनेस, ठीक है। सो इसमें प्रोस्ट्रेशन एंड शॉक कैन अकर अकम्पनीड बाय अपर GIT हिमोरेज विद हिमेटमेसिस, इसी वजह से इसमें हमें ब्लैक वॉमिट मिलती है, ठीक है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा MCQs में पूछी जा सकती है कि कौन से वायरस की डिजीज में हमें ब्लैक वॉमिट मिलती है, तो वो है येलो फीवर वायरस। सो दिस वॉज अबाउट द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। डायग्नोसिस इसकी या तो आइसोलेशन ऑफ वायरस से होती है, वायरस को हम आइसोलेट करके करते हैं या डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी टाइटर का राइज। इसके अलावा ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के एरियाज में येलो फीवर वायरस हमें मिलता है। ये जो येलो फीवर है उसको हम जंगल येलो फीवर और अर्बन येलो फीवर में क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, उसकी मेन वजह यही है कि ये एक मंकी डिजीज है और इसमें ह्यूमन आर द रिजर्वायर, सो ह्यूमन डिजीज है, दिस इज मंकी डिजीज एंड दिस इज ह्यूमन डिजीज। जो जंगल येलो फीवर वायरस है ये प्राइमरीली हिमागोगस स्पीशीज जो है मॉस्किटोज की, वो जो है इसकी ट्रांसमिशन करवा रही होती हैं, और मंकीज आर द रिजर्वॉयर। इसमें ह्यूमंस कैन ऑल्सो बी द एक्सीडेंटल होस्ट। किन ह्यूमंस में होता है? ऑब्वियसली जो ऑक्यूपेशनल हैं, ट्री कटर्स हैं, वो जंगल में जाते हैं ट्री कटिंग के दौरान। ऑन द अदर हैंड, जब हम अर्बन येलो फीवर की बात करते हैं तो ये ह्यूमन डिजीज है, सो इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो, ठीक है, वही जो कि डेंगी वायरस को ट्रांसमिट कर रहे थे उन्हीं मॉस्किटोज से ये येलो फीवर वायरस ही ट्रांसमिट होता है, एंड हियर ह्यूमंस आर द रिजर्वॉयर। अच्छा, इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? वो ड्यूरेशन जब वायरस की एंट्री से लेके सिम्टम्स अपेयर होने तक के जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। जो वायरस है उसको रेप्लिकेट होने के लिए मॉस्किटो में 12 से 14 डेज का एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड की ज़रूरत होती है, ताकि वो इफेक्टिवली ट्रांसमिट करे डिजीज़, और फिर ह्यूमन को जब मॉस्किटो बाइट करता है और ह्यूमन के अंदर जब ये वायरस आता है तो सिम्टम्स अपेयर होने में इसको जो इंक्यूबेशन पीरियड रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ 3 to 6 days। सो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी कोई एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है, नो एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल, एंड मोर्टैलिटी इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि सीवियर होता है, लेकिन रिकवरी के बाद कोई इसमें कैरियर क्रॉनिक इन्फेक्टिव स्टेज नहीं पाया जाता, और इसमें एक बार इन्फेक्शन के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है, एंड प्रिवेंशन में इसकी इम्यूनाइजेशन आती है, दैट इज़ इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीन दैट कंटेन्स लाइव एटीन्यूएटेड वायरस, और स्पेशली उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ट्रैवलर्स जो कि जंगल वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं या ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ ये इंडेमिक है या फिर जंगल के करीब हैं, ठीक है, उनमें वैक्सीनेशन इज़ नेसेसरी। इसके अलावा मॉस्किटो कंट्रोल होना चाहिए, मॉस्किटो कंट्रोल, क्योंकि ये मॉस्किटोज़ भी स्टेग्नेंट वाटर में ब्रीड कर रहे होते हैं, तो स्टेग्नेंट वाटर की ड्रेनेज सही से होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होने चाहिए,
हमें पर्सनल प्रोटेक्शन करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हमें यूज़ करना चाहिए, ऐसी क्लोथिंग करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी पूरी कवर रहे। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कम्स इन द प्रिवेंशन। अदर देन दिस, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वैक्सीन है, क्योंकि ये लाइव एटीन्यूएटेड वायरस को कंटेन कर रही होती है, तो इस वजह से द वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड प्रेगनेंट वुमेन। ठीक है, ये बात आप लोग जहन में रखिएगा, शुड नॉट बी गिवन टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड प्रेगनेंट वुमेन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द येलो फीवर वायरस। इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग में हमें ब्लैक वॉमिट मिलती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड काइंडली सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।